हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका सोल असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। ये आपका सोल असाइनमेंट्स है जो कि इग्नू की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट सोल असाइनमेंट्स आया है 2022 से लेकर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2022 में इग्नू में एडमिशन लिया है या जो स्टूडेंट जनवरी 2023 में इग्नू में एडमिशन लेंगे, ये सोल असाइनमेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको इग्नू के कोई भी सोल असाइनमेंट्स परचेज़ करने हो या स्टडी मटेरियल परचेज़ करना हो तो आप हमारे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8199887784, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और वहां से आप अपने असाइनमेंट्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है परचेज़ करने का। आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और अपना सब्जेक्ट कोड और मीडियम ज़रूर लिख के भेजिएगा। और ये असाइनमेंट्स आप अगर बना लेते हैं तो आपके ये मान लो 80+ मार्क्स बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। पर इसमें कंडीशंस ये है कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और इन असाइनमेंट्स की वैलिडेशन है आपकी 31 मार्च 2023, यानी कि 31 मार्च 2023 तक आप इनको सबमिट कर सकते हैं और इसको 31 अक्टूबर 2023 तक भी आप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी 2023 के सेशंस के लिए भी है। तो इसकी वैलिडेशन आपकी 31 अक्टूबर 2023 तक है, यानी कि आप इसको बिल्कुल इजीली सबमिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप स्टडी मटेरियल के भी लिए भी और एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस के लिए भी हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं। उसको सिर्फ पढ़कर आप बिल्कुल ईजिली आप अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। और आपको असाइनमेंट्स की PDF और एग्ज़ाम्स नोट्स की PDF बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पर मिलेगी।